पेंसिल, इरेजर, नोटबुक और बैग। बैग और क्या लगेगा मुझे? किताबें। मैंने आपको आते हुए नहीं सुना। तुम क्या लिख रही हो? वो मैं स्कूल के सामान की लिस्ट बना रही थी। मुझे डर है कि एक दिन तुम स्कूल के चक्कर में मुझे भी भूल जाओगी। तुमने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं कमरे में हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ। और देखो ना, मैं अच्छे से लिस्ट भी नहीं बना पा रही। मुझे नहीं पता और क्या क्या लगेगा। मुझे लगता है कोई है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सच में? कौन है वो? सोच कर देखो। पहले तो वो बहुत हैंडसम है और वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और हाइट भी ठीक ठाक ही है। और उसकी वाइफ एर्ज़रम से है और वो मास्टर आर्किटेक्ट है जो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे लगता है शायद मैं उसे जानती हूँ। पर क्या वो इतना हैंडसम है जितना कि तुमने अभी मुझे बताया? ओह, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? ओके, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलो अब थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ हमेशा ऐसी ही रहे। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, रुको। तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी बातों से फंसा लोगे? तुम मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हो। मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। जाओ यहाँ से। रुक जाओ डियर शहरी, मेरी बात सुनो। रुक जाओ? क्या तुम जैसे लोग कभी रुकते हैं? रुकते हैं बताओ। ये तो आखिर होना ही था। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मैं कह रहा था कि हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए।